बाजार में जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो ट्रेंड रिवर्सल्स पैटर्न्स भी बनेंगे, तो जैसे डबल टॉप था, डबल बॉटम था, ऐसे ही है हेड एंड शोल्डर। तो ये बड़ा सिंपल पैटर्न है, बड़ा इजी है, क्योंकि हमें पता चल रहा है पहले अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड आ गया, और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाने में जो रिवर्सल पॉइंट्स आया उसमें एक हेड आया और दो शोल्डर आए, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा शोल्डर बड़ा होगा या बराबर होंगे, या लेफ्ट बड़ा होगा राइट से या राइट बड़ा होगा लेफ्ट से, ये जानना ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेकलाइन आपको दिख रही है वो नेकलाइन अभी स्ट्रेट है, तो कुछ पैटर्न्स में आपको स्ट्रेट दिखेगी, कुछ पैटर्न में वो डायगनल अप जाएगी, कुछ पैटर्न में डायगनल डाउन जाएगी। तो कौन सा वाला वैलिड है, कौन सा वाला वैलिड नहीं है, ये इस विचार पे हम तब आएंगे जब आप एक दो सिचुएशन मुझे सर्च करके दोगे। ये दो मैंने बताई, जैसे रिलायंस का बता दिया अभी, इससे पहले HDFC का बता दिया, अब एक दो सिचुएशन आप ढूंढ के दो, तब हम उसी में वो कैटेगरीज दिखाएंगे कि कहाँ वैलिड है कहाँ इनवैलिड है। ठीक है, ठीक है सर, मेहनत कर रहे हो भाई। कमाई तो